वेलकम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग बाय एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो लिक्विड होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और विदाउट हीटिंग, यानी कि हम लिक्विड से गैस की स्टेट में जाते हैं। यानी कि वेपर्स जो है वो हमें पता है कि एक गैसियस स्टेट है, तो उसमें जो है वो हमारे पास लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और विदाउट हीटिंग। ठीक है, यानी कि हम हीट, एक तो हम हीटिंग के जरिए जो है, जैसे हमारे पास हम कोई भी कंटेनर है उसमें हम वाटर रखते हैं और उसको अगर हीट प्रोवाइड करें तो वो कुछ देर बाद जब वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा तो उसके बाद जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम विदाउट हीटिंग कोई ये प्रोसेस कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वेपोरेशन का प्रोसेस है। और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वेपोरेशन डिपेंड करती है, जिसमें से आपने बहुत सारी चीजें देखी थी कि रेट ऑफ द विंड और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमने इसके फैक्टर्स पढ़े थे। ठीक है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास कूलिंग का जो पर्पस है, यानी कि कूलिंग क्या है, कि हम जो ठंडक महसूस करते हैं उसमें एवेपोरेशन का क्या किरदार है, यानी कि एवेपोरेशन हमें किस तरह से कूलिंग प्रोवाइड करती है। इसमें जो सबसे पहले चीज हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास हमारे जो हमारे जहन में आ रही है वो सबसे पहले है कूलिंग 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 बाय द फैन। ठीक है, यानी कि हम जो पंखों के जरिए ठंडक महसूस करते हैं उसकी रीजन क्या है। ठीक है, अब अगर हम देखें, हम जो जब हमारे पास हॉट वेदर होता है, यानी कि जब हम गर्मियां आती हैं तो हमें जब बहुत गर्मी लगती है हॉट सीजन्स में, हॉट सीजन में हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो मतलब कि प्रेस्पायरेशन का रेट होता है, यानी कि हम जो पसीना जो हमारी बॉडी में से निकलता है वो उसका रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ प्रेस्पायरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब वो प्रेस्पायरेशन का रेट ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा स्वेटिंग करती है, यानी कि पसीना बहुत ज्यादा निकालती है। अब जब वो पसीना हमारी बॉडी से निकलता है और अगर हम फैन के आगे बैठे हैं, यानी कि जब हमें पसीना आया और हम लोग पंखे के आगे बैठे हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में मतलब कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के ऊपर आए होते हैं, ठीक है, वो एवेपोरेशन करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठते हैं। ठीक है, और उसकी रीजन क्या होती है कि जिस तरह से अगर मैं आपको एक पिक्चर में दिखाती हूँ स्टूडेंट्स कि ये देखें, अगर हमारे पास जो इसमें बेसिक प्रोसेस है एवेपोरेशन में वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास यहाँ जो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ये शो किया कि हमारे पास अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक कंटेनर में पड़े हुए और अगर हम इसके इसमें वेपोरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल विंड का जो रेट है वो स्पीड जो है, यानी कि हमें पता है कि पंखे के जरिए हम क्या करते हैं विंड की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि हवा की स्पीड को जो है वो हम क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने हवा की स्पीड को इंक्रीज किया तो क्या होगा कि हमारे पास हमें पता है कि हर चीज जो है वो एटम से मिलके बनी है और एटम जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के वो क्या करते हैं कि वेपोरेट करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि निकलना शुरू हो जाते हैं, पानी की सरफेस से उठना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया जा रहा है। और जो मीडियम एनर्जी के होते हैं वो पुल बैक हो जाते हैं पानी के अंदर ही, यानी कि जिस तरह से इस वाले मॉलिक्यूल के बारे में दिखाया गया है कि वो जो है वो पानी में वापस जा रहा है, यानी कि जो मीडियम एनर्जी के। और जो लो एनर्जी के होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं, यानी कि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस है जो कि एवेपोरेशन में हो रहा होता है कि हमारे पास जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं। अब जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मतलब है, यानी कि हाई एनर्जी का क्या मतलब है कि हाई एनर्जी का मतलब ये है कि जिनके पास हाई एनर्जी होगी इसका मतलब है कि उनका जो टेम्परेचर है वो भी हाई होगा, यानी कि क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसे क्या होता है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भर जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी भरती है तो वो मोर एनर्जेटिक होता है और इस वजह से वो बाहर निकल सकता है अपनी मतलब कि जो उसके अंदर के जो बॉन्डिंग है एक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उसको तोड़ सकता है। ठीक है, और फिर जो हमारे पास जो लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जिनकी एनर्जी लो है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उनका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी लो होगा। तो जब लो एनर्जी के टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो नीचे सरफेस में रह जाएंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वहां जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो कूलनेस प्रोवाइड करेगा, यानी कि वहां हम ठंडक महसूस करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कूलिंग बाय फैन के भी प्रोसेस में हमारे पास यही होता है कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारी सरफेस पर आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पे आते हैं,
वो हवा की वजह से, यानी कि एवेपोरेशन की वजह से, यानी कि जब हम पंखे के जरिए विंड की, मतलब कि हवा की स्पीड को ज्यादा करते हैं, तो एवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और वो पानी के बुखारात जो कि हाई एनर्जी के हैं, वो हमारी बॉडी से उठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो उठते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है, हमारे जो बॉडी है वो ठंडक महसूस करती है, क्योंकि लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे रह जाते हैं। अब एक और फिगर में भी आपको मैं यही चीज दिखाती हूँ कि जिस तरह से इस फिगर में भी दिखाया गया है कि एक बंदा जिसे बहुत सारा पसीना आ रहा है, और वो उसकी बॉडी से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाया गया है कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। और लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपकी सरफेस पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या महसूस होगा, ठंडक महसूस होगी, कूलनेस महसूस होगी। तो ये तो इसका पहला था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें जो हमारे पास जो सेकेंड इसमें आती है चीज, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सेकंड जो इसकी वजह से हमें फवायद हासिल हो सकते हैं एवेपोरेशन की वजह से, वो हमारे पास क्या है, फीवर कंट्रोल, यानी कि हम बुखार को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए, ठीक है। अब इसमें आपने चीज में देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि जब जब किसी किसी पेशेंट को बुखार होता है, तो हम उसके फोरहेड पे, यानी कि उसके माथे के ऊपर जो है, वो हम ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं, यानी कि वेट टॉवल जो है वो रखा जाता है। और ये बहुत ही जो है ना रूटीन का जो है ये एक्टिविटी होती है कि जब पेशेंट के साथ जो की जाती है, ठीक है। अब उसके जब हाई फीवर में जब आप वेट टॉवल रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी, हाँ, आप पानी के अंदर ये क्वालिटी है हमारे, कि वो जो है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारा जो माथा होता है फीवर के केस में वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो पानी जो है वो उसको उसकी गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एवेपोरेशन होगी। यानी कि एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है कि आपकी जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो निकल जाएंगे बॉडी में से, ठीक है। यानी कि जिस तरह से अगर मैं यहाँ बनाऊं, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर ये हमारे पास फोरहेड का केस है, ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे कि हाई एनर्जी के वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाएंगे, और जो लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो उधर ही रह जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, लो टेम्परेचर होगा तो आपको कूलनेस महसूस होगी, और जब ये कूलनेस महसूस होती है, यानी कि जब आप ये इसी तरह वेट टॉवल्स रखते जाते हैं, तो पेशेंट का जो ब्रेन होता है, यानी कि उसको डैमेज करने से आप बचा लेते हैं, यानी कि हाई फीवर के केस में जो है वो ब्रेन को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके, यानी कि आपके ब्रेन के ऊपर बुरे असरात हो सकते हैं उसके, तो उस डैमेज से अब ब्रेन को बचाने के लिए जो है, यानी कि हाई फीवर जो है वो बहुत नुकसानदेह है, तो उसकी वजह से हम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए वेट टॉवल जो है वो यूज करते हैं, ठीक। अब एक और स्टूडेंट्स, हम इसमें हमारे पास एक और प्रोसेस भी होता है जिसको हम देखते हैं कि हमारे पास, जिस तरह से मैं आपको एक दिखाती हूँ, एक और प्रोसेस हमारे पास कहलाता है एवेपो ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब आपने एवेपोरेशन का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और ट्रांसपायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है, ट्रांसपायरेशन मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ट्रांसपायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम हमारी बॉडी में स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि पसीना निकलने का प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, बिल्कुल उसी तरह प्लांट्स में भी जो है वो स्टोमेटा के जरिए जो है वो अपने जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। एक तो ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, लेकिन इसको कंबाइन करने तो एवेपो ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो जमीन के अंदर से पानी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उन्हें अब रिक्वायरमेंट होती है पानी की, ठीक है। और वो पानी जब लीव्स के तक पहुंचता है, तो हाँ, लीव्स के अंदर पानी के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और जब हीट उनके ऊपर पड़ती है, यानी कि जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, तो वो भी इसी तरह करते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को जो है वेपोरेट कर देते हैं, यानी कि इनको बाहर निकाल देते हैं, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को, और लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स वहां रह जाते हैं। जब लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स वहां रह जाते हैं, तो उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, यानी कि इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है। इसी वजह से जहां बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं, वहां हमें कूलनेस महसूस होती है, यानी कि वहां हमें इन्वायरमेंट जो है वो कूल नजर आता है, कि वहां जो है, इस वजह से, क्योंकि वहां जो है लो टेम्परेचर जो हो जाता है वो एवेपोरेशन की वजह से क्रिएट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फवायद थे या एप्लीकेशन थे जो कि एवेपोरेशन की वजह से हमें महसूस होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एवेपोरेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट यूज करके हम रेफ्रिजरेटर में किस तरह से हम एवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में।